जब सिक्स लगता है पहली बार, जैसे हम भी स्कूल कॉलेज में खेलते, जब सिक्स लगता था ना, एक अंदर से ऐसा लगता था कि एक इंटॉक्सिकेशन, ऐसा कि कुछ नशा सा आ गया है। आपके साथ ऐसा होता है क्योंकि आप एक रुकते नहीं है, जो छह सात मारते हैं, जैसे उस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हुई आपकी, आपको एक पावर महसूस हुआ कि आप मुझे आज रोक नहीं सकते, कि आज दिन मेरा है, ये फीलिंग आती है? वो तो सर हर मैच में होता है, क्योंकि जैसे मैंने बहुत सारे मेरे जो साथ के क्रिकेटर्स हैं उनको सुना है कि जैसे उनकी बैट की टाइमिंग अच्छी होती है, जब फर्स्ट बॉल अच्छे से बैट पे लगता है, या फिर उनको गैप मिलता है, या फिर बाउंड्री मिलती है। मुझे वो फील आता है जब मेरा पहला सिक्स लग जाता है मैच में, अगर मैंने 50 रन भी बनाए हो मैच में और मेरे एक भी सिक्स ना मारा हो, मुझे उतनी देर तक ऐसे ही लगता रहता है कि शायद अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अभी भी मेरी मतलब वैसी बैटिंग स्टार्ट नहीं हुई जो मुझे चाहिए। लेकिन जैसे ही मेरा मैच में फर्स्ट सिक्स लग जाता है, उसी टाइम मुझे मतलब वो जो आप बोल रहे हो ना, एक नशा सा बॉडी में आ जाता है, मुझे समझ में आ जाता है कि आज मेरा ही दिन है, आज मतलब जिस हिसाब से मुझे खेला है मैं खेल सकती हूँ। तो डाबी में जो आप सिक्सेस मार रहे थे, वो आम का पेड़ नजर आ रहा था कहीं आपको कि उसके अंदर मारने और गेंद? वो उस दिन तो सर मेरा माइंडसेट अभी मतलब बोल सकते हैं कि बहुत डिफरेंट था। मैंने अब काफ़ी सारे इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए, लेकिन उस दिन जो मैं अपने माइंडसेटअप के साथ गई थी ना, वो मैं अभी हर मैच में सोचती हूँ कि वैसा कुछ हो जाए, वैसा माइंडसेटअप हो जाए, क्योंकि अब वैसा सोचना, वैसी चीज़ें लानी बहुत मुश्किल होती है। वो एक आधा दिन ऐसा होता है कि जब आप ऐसा सोचते हो कि टू बी ऑनेस्ट, मैच से पहले कभी मुझे, जब हम पैड अप करते हैं, हम हमेशा मैच की सिचुएशन के बारे में सोचते होते हैं कि क्या कितने विकेट डाउन हो गए, कितने रन चाहिए, या फिर कितने रन बनाने हैं। लेकिन उस दिन आई वॉज जस्ट रिकॉलिंग माई होल जर्नी, कि मैंने कैसे खेलना स्टार्ट करा था, कैसे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो वो सारी बातें मेरे अंदर थी। तो उससे अलग सी मेरे अंदर एक फीलिंग आ रही थी, और जैसे ही मैं ग्राउंड पे गई ना, उस दिन मुझे बस ऐसे हो रहा था कि यार मुझे आज फ्रीली खेलना है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं और मिताली भी बैटिंग कर रहे थे, हमारे हम सिर्फ 50 रन की भी पार्टनरशिप हुई थी, और हम स्कोरबोर्ड को ही देख रहे थे कि अभी तो बहुत कम रन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास 9 नंबर तक बैटिंग है, उनका 9 नंबर का बैटर भी आगे 100 रन की कैपेसिटी रखता है। तो आई वॉज लाइक, दीदी अगर 200-250 बनाएंगे ना तो बस लास्ट ओवर तक ही मैच जाएगा, लेकिन हम जीतेंगे नहीं, मुझे खुल के खेलना है, मुझे खुल के खेलना। तो देन शी जस्ट गेव मी स्माइल के कि देख थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अभी तो 15-16 ओवर ही हुए हैं, अभी ओवर पड़े हैं काफ़ी। आई वाज लाइक, मुझे खेलने दो, देखी जाएगा अभी मुझे तो। देन चीज़ है, चलो ठीक है खेल। उसके बाद से मैंने बस, मुझे फ्री हिट मिली, मैं आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द दैट मोमेंट, कि मुझे एक मोमेंट मिल जाए यहाँ पे, मुझे फ्रीडम मिल जाए। बस वो फ्रीडम जैसे ही मुझे मिली, देन आई डिडंट लुक बैक। 171 के बारे में बात करते हैं, लेकिन कि वो पावर महसूस हुआ आपको कि आज ऑस्ट्रेलिया, आप कुछ भी करो आप मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं उस जोन में आ गई हूँ। कपिल देव ने जो 175 करे थे, उस जोन में आ गए थे, ऐसा लगा आपको कि आज कुछ भी हो, आज आप मुझे नहीं रोक सकते? हाँ सर, वो तो है, क्योंकि आई थिंक उस दिन मेरी जो मैच को लेके कैलकुलेशन थी वो भी सही बैठ रही थी, क्योंकि जो मुझे बाहर से मैसेज आ रहे थे वो यही था कि 250 देखो, 250 देखो। मुझे ऐसा लग रहा था 250 से नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे अंदर से फील आ रही थी, क्योंकि मैंने उससे पहले बिग बैश खेला था, तो मैंने उनकी सारी टीम्स को, कि वहाँ पे जब हम खेलने जाते हैं ओवरसीज, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं जाते, लाइक वहाँ पे हम जाके काफ़ी चीज़ें रीड भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं कि उनके पास किस टाइप के प्लेयर्स हैं। तो मैंने उनकी टीम में ऐसे प्लेयर्स देखे थे, क्योंकि उनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी अगर हम बैटिंग देखें तो 2 या 3 नंबर तक उनकी कभी कभी बैटिंग आती है, बहुत रेयर होता है कि उनकी उनकी जो ओपनर्स है वो क्लैप हो जाते हैं, तो नीचे के आकर बैटिंग करते हैं। आई न्यू के उनके पास 9 नंबर तक बैटिंग है, अगर हमने ऊपर, क्योंकि बाकी की टीमों में क्या होता है, आप स्टार्टिंग के 2-3 बैटर आउट कर दो, उसके बाद तो आपको पता है कि वी आर बैक, अभी हम, ये मैच हमारा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी ये सोच ही नहीं रख सकते कि यार आपने 2 आउट कर दिए, 3 आउट कर दिए, उसके बाद आप मैच जीत जाओगे। आपको लास्ट ओवर तक ऐसा ही बॉल डालना पड़ता है, फुल फोकस रहना पड़ता है। बाहर से जब मुझे मैसेज बार बार मिल रहा था, आई वाज लाइक प्लीज डोंट गिव मी एनी मैसेज नाउ, मुझे देखने दो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि 250 का टारगेट से, क्योंकि जो मेरे साथ वाला बैटर हो रहा था फिर वो स्लो हो जा रहा था, उसको लग रहा था कि यार अभी 200 तो हो गया, सिर्फ 50 रन बनाने हैं, तो 50 तो सिंगल डबल से भी बन जाएंगे, रिस्क क्यों लेना है।
हमारे इतने विकेट डाउन भी नहीं हुए थे, हमारे पास बैटिंग पड़ी थी अभी, जुलूदी का जो बैटिंग भी नहीं आई, तो जुलूदी के अंदर भी कैपेसिटी है, वो भी सिक्स रन के हिसाब से चल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनको सिंगल डबल खेलना, उनके अंदर भी वो भी पावर हीटर है, तो अभी लाइक हमारे पास बैटिंग पड़ी है, तो आज ऑल आउट जाएंगे, लेट्स सी के 250 से हम नहीं जीतने वाले बस, तो फिर उसके बाद से फिर सर ने बोला ठीक है आप अपने हिसाब से बैटिंग पावर प्ले जो भी आपको प्लान करना है उसी हिसाब से आप देखिए और उसी हिसाब से आप अपनी इनिंग को प्लान करिए।